जयपुर के बाल स्कूल में चल रही दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैंड बाजा प्रतियोगिता का समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की और विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर शिमला जिला के स्कूल में बाजी मारी और नालागढ़ दूसरे स्थान पर रहा। हमीरपुर के लोहारली स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। वही लड़कियों के वर्ग में भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पोर्ट मोर शिमला के स्कूल में बाजी मारी। इस अवसर पर विधायक हमीरपुर नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश में अध्यापकों को खाली पड़े पदों पर कहा कि कांग्रेस के समय में अध्यापकों के पदों को नहीं भरा गया था और शिक्षा विभाग पूर्व में कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पास रहा और अपने समय में भर्तियों को नहीं किया और जाते जाते कांग्रेस सरकार ने रेवड़ियों के बाद स्कूल खोले हैं, लेकिन अब बीजेपी सरकार धीरे धीरे अपना काम करने में लगी हुई है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही बाहरी अध्यापकों की भर्ती को लेकर कहा कि बाहरी अध्यापकों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों को न्यूनतम दो परीक्षाएं हिमाचल के पास करनी होगी और नियमों के लिए लोक सेवा आयोग से जल्द बात की जाएगी। राज्य स्तरीय बैंड बाजा प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली के छात्र की बेल्ट के मुद्दे पर अध्यापक द्वारा थप्पड़ मार दिए जाने पर मामला गर्मा गया। इस मामले को लेकर जब शिक्षा मंत्री से बात की गई तो शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मजाकिया अंदाज में बात को टाल दिया और कहा कि अपने समय में बहुत थप्पड़ खाए हैं, लेकिन उसमें ऐसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि थप्पड़ किसकी गलती को लेकर मारा गया था। सरकाघाट उपमंडल की गाहर पंचायत के समाहत गांव के लोगों ने देवता के नाम पर जिस 80 वर्षीय वृद्धा राजदेही के मुंह पर कालिक मलकर जूते गले में लटकाकर घसीटा, वह अपनी बेटी तृप्ता के साथ आज हमीरपुर में मीडिया के सामने आई है। हालांकि मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी शिकायत भेजी गई है, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाए जाने के कारण पीड़िता मायूस है। पीड़िता बुजुर्ग राजदेही के साथ धर्मशाला से समाज सेवी संजय शर्मा भी थे। समाज सेवी संजय शर्मा ने मांग करते हुए कहा कि इतनी घिनौनी घटना होने के बाद भी पुलिस तंत्र आंखें मूंदे बैठा हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एसपी को ट्रांसफर किया जाए और सरकाघाट एसएचओ को निलंबित किया जाए। हमीरपुर पहुंचे बुजुर्ग राजदेही घटना के बाद मानसिक रूप से टूट चुके हैं। आज उसे भी मीडिया के सामने चक्कर आ रहे थे, वे एक शब्द भी ना बोल पाई। उसकी बेटी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मदद या हाल पूछने कोई प्रशासनिक अधिकारी वृद्धा के पास अभी तक नहीं पहुंचा। गौरतलब है कि पीड़ित महिला पूर्व सैनिक की पत्नी है। पति हवलदार बिदी चंद 10 डोगरा का जवान था और 1971 का युद्ध लड़ा था। बोर्ड पेंशन आने के बाद 37 साल की उम्र में मर गया। क्या पूर्व सैनिक की पत्नी का लोगों द्वारा डायन घोषित करना पूर्व सैनिकों को जलील करना नहीं है? क्या पूर्व सैनिक की पत्नी डायन हो सकती है? शिमला जिला के रामपुर के समीप झाकड़ी आर्मी कैंप के गुरुद्वारों में सिख समुदाय ने 550वां पर्व धूमधाम से मनाया। गुरु पर्व के आयोजन में सेना के जेई 863 ईडब्ल्यूएस व एसजेवीएन की नाथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट के अलावा रामपुर आसपास के सिख संगत ने आयोजन को भव्य बनाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम अखंड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु नानक देव के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया गया। प्रकाशा उत्सव आयोजन के दौरान कीर्तन मंडली मंडी से परमजीत सिंह खालसा की अगुवाई में झाकड़ी पहुंचा था। संगत ने लोगों को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हुए गुरु के सुझाए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। CISF के गुरमुख सिंह ने बताया कि सेना के अधिकारियों समेत SJVN के अधिकारियों के सहयोग से प्रकाशो उत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के सिख संगत हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव ने सभी वर्गों को साझा उपदेश दिया है, सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया
कि प्रकाशोत्सव उत्सव जाकड़ी में 12 नवंबर तक मनाया जाएगा। आयोजनकर्ता ने बताया कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव उत्सव के अवसर पर सेना जल विद्युत परियोजना निर्माता और स्थानीय समुदाय मिलकर बनाने जा रहा है। लोगों से निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस दौरान भजन कीर्तन के अलावा लंगर का भी आयोजन किया जाएगा।